हवाले, तू मेरी नैया है तेरे हवाले। उनके बेचैन मिलता नहीं है, उन आशा का खिलता नहीं है, तेरे चैन मिलता नहीं है, उन आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना उस जहां में एक लता भी मिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां भी मिलता नहीं, तेरी पस में अंधेरे उजाले, तेरी पस में अंधेरे उजाले, ओ मेरी मैया है तेरे हवाले, ओ मेरी मैया है तेरे हवाले, दुख को बचा लेने वाले, को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले, ओ मेरी नैया तेरे हवाले, ओ मेरी नैया तेरे हवाले, ओ मेरी नैया तेरे हवाले। स्तवन करता करता हाथीरो मन भगवान में इतो रम गयो, हाथी आपरो पुरुषार्थ करनो छोड़ दियो, जठे तक मिनक आपरी पल बुद्धि रो भरोसो राखे वठे तक भगवान री कृपा नहीं हो। जब तक गज अपनो बल राखियो नेक सरियो डेका, निर्बल वे बलराम पुकारियो आयो आधे ना। जब गजराज गयो जल भीतर रर रर शब्द उचारियो, गरुड़ छोड़ आतुर हुई जाया, बंधन दूर निवारिया। हाथी भगवान ने पुकारे, हा बोलिया जन भगवान लक्ष्मी जी रे कने हा, और ठीक है उतना ही भगवान पहुंच गया तीरे कने, गरुड़ जी तो बाद में पहुंच गया है। भगवान आए हाथी री सूंड पकड़, हाथी ने ग्रह सहित जल सो बारे निकाल देवे, भगवान चक्र सो ग्रह रो सिर विदीर्ण कर दियो, हाथी पुष्प ले वो पुष्प भगवान रे समय करियो, भगवान हाथी रे पुष्प ने स्वीकार करियो, क्यों पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो भी भक्त प्रेम से भगवान ने अर्पण करे तो भक्तरी तियोड़ी प्रेम शुभा वस्तु भगवान स्वीकार करे। मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे, मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे, नथी जोवे आचार विचार प्रेम देखे जठई बालू जीम ले रे, प्रेम सो दियोड़ी वस्तु भगवान स्वीकार करिया करे। भगवान ग्रह ने आपरो दिव्य रूप दियो, वो भगवान रे रूप ने पा लेवे, पहला वो फुहु नाम रो गंधर्व हो, महात्मा देवल स्नान करने रे वास्ते जल में घुसिया तो वो पानी में जाए, महात्मा जी रो पग पकड़ियो, महात्मा जी बोलिया कई मगरमच्छरी तरह पग पकड़े है जा मगरमच्छ हो गया। भगवान रे स्पर्श सो हाथी भी अज्ञान सो मुक्त होए, भगवान रे स्वरूप ने पा लेवे, वो पूर्व जन्म में द्रविड़ प्रांत रो
पांड्य देश नाम रो राजा हो, पांड्य देश रो राजा हो, इनरो नाम हो इंद्रद्युम्न। भगवान रे भजन पूजन में इनरी बड़ी निष्ठा ही। एक दिन वो मलियाचल पर्वत रे ऊपर आश्रम में मौन धारण कर भगवान री भक्ति में तल्लीन है। संयोग सुन चेलों रे साथ अगस्त्य मुनि आया, ओ भाई न तो खड़ो हो न संतों ने प्रणाम करे। महात्मा जी कहे देखो देखो हाथी री तरह पसरन बैठो है, कहीं हाथी री तरह पसरन बैठो है, जा हाथी हो गया। अबे महात्मा जी तो चेलों रे साथ बटे सो रवाना हो गया। राजा इन्हें देव रो विधान माने और हाथी री योनि में आया, लेकिन भगवान री पूजा रो प्रभाव देखो हाथी री योनि में भी बाप पूर्व जन्म री स्मृति खत्म नहीं हुई। भगवान हाथी रो उद्धार कर उन्हें आप रो पार्षद बना लेवे, उन्हें वैंकुट ले जावे। सुखदेव जी महाराज कहे राजन मैं आपने गजेंद्र मुख सुनायो, वो पावन चरित्र भगवान री महिमा सु ओतप्रोत है, ऐसो आख्यान पापों ने नष्ट करने वालों है, स्वर्ग और यश देने वालों है, कली काल रे दोषों ने खत्म करने वालों है, जिनने दुष्स्वप्न दिखाई देवे उनने सुबह उठ गजेंद्र मोक्ष रूपात करना चाहिए। जो गजेंद्र मोक्ष रूपात करे तो उनने दुष्स्वप्न रो अनिष्ट फल नहीं मिले, और जो प्रेम सुनित्य गजेंद्र मोक्ष रूपात करे तो भगवान उनमें मृत्यु रे समय निर्मल बुद्धि देवे। चौथे मनवंतर जी कथा में गजेंद्र मोक्ष की बात आई। अब आगे रे रेवत आदि मनवंतर की कथा सुनो। पांचवे मनुरो नाम हो रेवत, ए तमस मनुरा शोदर भाई हा। इन मनवंतर में विभु नाम रा इंद्र हुआ और भगवान खुद वेंकुट नाम धारण कर दरारे ऊपर अवतार लेवे। छठे मनुरो नाम चाक्षुष, द चक्षुरा बेटा हा। इन मनमंत्र में मंत्र ब्रह्म इंद्र हुआ और अजित नाम सु भगवान रो अवतार हुयो। भगवान कश्यप रूप सु आपरी पीठ रे ऊपर मंदरा चलने धारण करे, दूसरा रूप सु समुद्र मंथन कर देवताओं रे वास्ते अमृत निकालियो। परीक्षित जी पूछियो समुद्र क्यों मच्छी हो गयो, अमृत री प्राप्ति किन तरह हुई, पावन प्रसंग आप सुनाने की कृपा करो। शिव जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने कहे ऋषि लोगो राजा परीक्षित बात पूछी है। सुखदेव जी महाराज कहे राजन एक दिन दुर्वासा जी कठई जावता रास्ते में इंद्र मिल गयो। महात्मा जी आपरे बाग गलेरी माड़ा उतार इंद्र ने प्रसादी रूप में दे दे। इंद्र बा माला ले एराउ थाती रे माथा रे ऊपर गिराई दी। एराउ थाती सुन सुन माला ने नीचे खेच पगरे नीचे कुचल देवे। महात्मा जी देख नहीं सकिया, देखो देखो प्रसाद रो अपमान। महात्मा जी बोलिया जाओ श्री विहीन हो जाओ। देखो देवता श्री विहीन हो गया, प्रसाद रो अनादर करे तो आदमी श्री विहीन हो जावे। प्रसाद रो कदई अनादर नहीं करनो, प्रसाद ने कदई पगो में नहीं नेकनो, और यदि प्रसाद नीचे गिर जावे तो पचो उठाई ले होनो चाहिए। मां प्रसाद री बड़ी महिमा है। मां प्रसाद देवों ने दुर्लभ और संत सदाई पावे। महाप्रसादरी बड़ी महिमा है। मैं आपने याद दिलाऊं अपारे जोधपुर में भोगीसेल पर्वत रे मायने पुरुषोत्तम मास में यात्रा जोधपुर दी होवे। भोगीसेल परिक्रमा एक रात वैजनाथ सब लोग रुके। वैजनाथ
महादेव जी रा दर्शन करे ए वैजनाथ कही है। जोधपुर का राजा बारह ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है वैजनाथ, वठेरा परम भक्त राजा ऐसो नियम लियो वैजनाथ भगवान रो प्रसाद ले और पचीस भोजन करूं, हमेशा अठे सो एक एक घोड़ो जावे और वटे सो एक एक घोड़ो ले एक एक घोड़ो प्रसाद लेन पचो अटे जोधपुर पहुंचे। इन तरह सो एक व्यवस्था बनाई है। चौमासा में नदी नाला चले तो कदी 10 दिन 15 दिन घोड़ा पहुंचे को नहीं, राजा यूं भूखा रहे। राजा री श्रद्धा भक्ति दे भगवान वैजना राजा ने स्वप्न दियो, अबे थने अटे घोड़ा मिनक भेजने की जरूरत कोई नहीं, मैं थारे जोधपुर में उत्तर दिशा में पहाड़ियों में प्रकट हो रही हूं। तो सुबह जाइजे पहाड़ी रे मायने गाय आपरे थनों सो दूध टपकावे वठे में प्रकट हुई हूं। सुबह हुई राजा घोड़ा मते बैठ पहाड़ियों में घूमने रे वास्ते निकलिया, जाइन देखे एक गाय आपरे थनों सो दूध टपकावे वटे कहीं देखियो पत्थर री चट्टान तोड़ और भगवान वैजनाथ प्रकट हुआ है। मां प्रसाद री महिमा राजा रे प्रसाद लेने रो नियम, तो देखो वैजनाथ भगवान ने जोधपुर री धरारे ऊपर प्रकट होनो पड़ियो। आज भी भक्त लोग श्रद्धा भक्ति सो वैजनाथ भगवान राठे दर्शन पावे। महाप्रसाद री महिमा है, महाप्रसाद ने कदई पगों में नहीं रहकरो, महाप्रसाद देवो ने दुर्लभ। आज दैत्यों ने इन बातरो पतो लाग गियो, देवता श्री विहीन हो गया है, राक्षस लोग देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, लड़ाई में देवता हार गया, अब देवता दुखी हो ब्रह्मा जी रे कने गया। ब्रह्मा जी कहे चलो भगवान सो प्रार्थना करा, देवता भगवान रे चरणों में पुकार मचाई, भगवान कहे जठे तक थारी वृद्धि रो समय नहीं आवे जाओ दैत्यों सो संधि कर लो, समुद्र मंथन करो अमृत री प्राप्ति होवेला, थे लोग अमृत पीन शक्ति संपन्न हो जावला पर असुर केवल दुकरा भागी रवेला। एक बात है राक्षस जो कहे थे हां वर लीजो, आपस में विवाद मत कर जो, भगवान री आज्ञा हुई देवता जाए राक्षसों से संधि कर ले, देवताओं री दैत्यों री आपस में मैत्री हुई, अब अटे समुद्र मंथन रो सुझाव कियो। अब देवता राक्षस समुद्र मंथन रे वास्ते तैयार हुआ, समुद्र मंथन करा क्यों मंदराचल पर्वत ने उखाड़ कंधे रे ऊपर ले समुद्र मंथन रे वास्ते रवाना हुआ। पर्वत में भार ज्यादा वो पर्वत कंधे सो नीचे आई गो, कई राक्षस कई देवता दमन मर जावे, भगवान प्रकट होई आपरी अमृतमय दृष्टि सो सबने जीवित कर, एक हाथ सो पर्वत ने उठाई गरुड़ रे ऊपर रखे और उन्होंने समुद्र किनारे ले आया। अब भगवान गरुड़ जी ने कहे थे दूसरी जगह जाओ परा, यदि थे अटे रहो तो वासुकी नाग नहीं आवेला। अब देवता जाए वासुकी नाग ने प्रार्थना करी आप मथानी री रसी बन जाओ, अमृत री प्राप्ति होवेला, आपने भी अमृत रो भाग मिलेला। वासुकी नाग आई पर्वत रे लिपटीज गया। अब देखो देवता लोग वासुकी नाग रे मुंडे रो भाग पकड़ियो, राक्षस सबरा सब एक तरफ जाए खड़ा हो गया, मैं तो सापरी अमंगल कोष नहीं पकड़ा। भगवान देवताओं ने कहे मुंडे रो भाग छोड़ दो और पूंछ रो भाग पकड़ लो। अब देवता पूंछ रो भाग पकड़ लियो, राक्षस राजी हुआ वे वासुकी नाग रे मुंडा रो भाग पकड़ लियो, दोनों दल मिल समुद्र मंथन करने लग गया। अब नीचे कोई आधार नहीं, पर्वत पानी में धसने लग गियो, सबरे मुंडा रे ऊपर उदासी छा जावे, पर भगवान कहे कोई भी शुभ काम करो तो पहला गणेश जी ने तो याद करो,
जो ही वह गणेश जी ने याद करे भगवान कश्यप रूप धारण कर आपरी पीठ रे ऊपर मंदरा चल ने धारण कर लेवे। बोलिए कश्यप भगवान की जय। कश्यप भगवान री वा पीठ एक दूसरा विपरीत तरह दिखाई देवे। जो ही पर्वत ऊपर आयो सबने बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दोनों दल मिल समुद्र मंथन करने लागिया। नीचे आधार नहीं मतना मतना सब थाक जावे। जब भगवान कमर में दुपट्टो बांध समुद्र मंथन करने लागिया। अबे हलाहल जर निकली जर री ज्वालावां चारों तरफ फैलने लागी। वासुकी रे मुंडे सो गरम गरम फुटकार निकलिया। राक्षसोरा शरीर गला पड़ जावे। जो ही हलाहल जर निकलियो सब रासब घबराएगा। देवता दौड़ता दौड़ता जाय भगवान शिवरे चरणों में पुकार मचाई। देवादि देव भोलेनाथ पाई माम त्राई माम त्राई माम। कब से खड़े हैं जोली पसार क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरी भूमि बाबा पूरा ही सहारा है मेरी भूमि बाबा। तब से खड़े हैं झोली पसार सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरी भूमि बाबा अब तो तेरा ही सहारा है मेरे भूमि बाबा। भाव से दोनों हाथ पर उठाइए याद बोले आज मंदिर में ये भीड़ देख लो नदी है आज मंदिर में ये भीड़ खाते आए हैं लाखों खाते आए मेला आजा है त्रिपुरारी तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा पूरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हार गए दुनिया से कम जमाने का हमने किया हार गए दुनिया से कम जमाने का हमने किया इस जहां में लोग अपने भूले ने कराए इस जहां में लोग अपने भूले ने कराए तुम ही किनारा हो भूले वाला सहारा भोले बाबा Thank you.
बाबा अब तो फिर चादर साजे हे मेरे भोले बाबा अब तो फिर चादर साजे आए शरीर में तेरी अब तो हम सुकून बचाने आए शरीर में तेरी अब तो हम सुकून बचाने सुन दे तुमने तो लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोले पसार ना सुनो तुम हमारे पुकार जग रखवाला है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा जग रखवाला है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले बाबा देव का बेड़ा होई मां देव जी रे आके पुकार मचाई भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष है। आज देवताओं रो संकट देव भोलेनाथ आया वो फैलियो रो जर हथेली रे ऊपर रख पार्वती जी री संमति सो पी लेवे देखो शिव जी रे कन्ने राम नाम री शक्ति है रा कई जहर पियो और मैं कई ऊपर सो ढक्कन बंद कर दियो जहर ने कंठ में ही रोक लेवे भगवान शिवरो कंठ नीलो हो गियो जो भगवान शिवरो एक भूषण बन जावे बोलिए नील कंठ महादेव की बोले नाथ जहर पीवे जन कई जहर री बूंदा नीचे टपकी जन सांप बिच्छू कांतर विषेला वृक्ष और विष औषधियां पैदा हो जावे शिव जी जहर पीवे अब सबने बड़ी प्रसन्नता होगी कोई ने जहर लाग जावे जन उन्हें नींद आवे जन कवे सा इनने जगाओ नहीं तो जहर रो असर हो जाए तो शिव जी जहर पी लियो जन कवे भोलेनाथ ने जगाओ नहीं तो जहर रो असर हो जाए रात भर देवता जड़ लाई शिव जी रे ऊपर गिरावता रिया शिव जी ने जगावता रिया उन रात्रि ने आज तक अपना लोग शिवरात्रि रे रूप में मनावता आया बाचो समुद्र मंथन हुए सबसे पहला काम देनु प्रगट हुई देखो गाय री उत्पत्ति समुद्र मंथन रे समय हुई ब्राह्मण हवीरे लिए गाय ने स्वीकार करी चंद्रमा रे समान धवल उच्च उच्च शर्वा गुरो निकलियो इंद्र उन्हें स्वर्ग में ले जावे पचे चंद्रमा निकले भगवान भोलेनाथ जटारे ऊपर धारण कर लेवे कौस्तुम मणि निकली भगवान विष्णु गले में धारण कर लेवे कलुभ वृक्ष निकले देवता उन्हें स्वर्ग में ले गया अप्सरंबा आदि अप्सरावा प्रकट हुई तने भी देवता स्वर्ग में ले गया अवे महालक्ष्मी जी प्रकट हुई लक्ष्मी जी ने दे सब मोहित हो गया बताओ लक्ष्मी जी ने दे कन कुण मोहित नहीं हो वैसा रस्ते रस्ते वो और रास्ते में सड़क रे किनारे नाली रे कने 500 रो नोट दिख जावे तो कहीं बुला बुला जाओ
अरे लक्ष्मी जी किन ने मोहित नहीं करे। अब अटे स्वयंवर की व्यवस्था हुई, सब लोग बैठ गया, लक्ष्मी जी जयमाला लेन आई, सबरे मायने किम किम दोष है, भगवान शिव में कोई दोष नहीं, पर शिव जी शमशान में भूत प्रेतों रे सते रहे, विष्णु भगवान रे गले में लक्ष्मी जी जयमाला धारण करावे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवताओं रे ऊपर कृपा करी, देवता शक्ति संपन्न हो गया, दैत्यों रे प्रति लक्ष्मी उपेक्षा करी, दैत्य श्री विहीन हो गया, पाचो समुद्र मंथन होवे। अब मदिरा निकली, मदिरा राक्षस लोग ग्रहण करे, अबे पाचो समुद्र मंथन हुयो, धनवंतरी भगवान अमृत रो घोड़ो ले प्रकट हुआ, बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान रो दर्शन लाभ मिलियो, जिनके ऊपर भी दृष्टि पड़े वेरा रोग शोक दूर हो जावे, दैत्य लोग अमृत रो घोड़ो देखियो छटपटाया, धनवंतरी भगवान रे हाथ सो अमृत रो घोड़ो खोस लियो। अब वे समुद्र से निकली उड़ा रतन भी हड़पनो चावे, देवता दुखी हुआ, भगवान सबने आश्वासन दे स्वस्थ करे, दैत्यों में आपस में छीना झपटी होगी, बलवान है वो दुर्बल ने डांटे, तू नहीं पहला अमृत मैं पीऊं, तू नहीं पहला अमृत मैं पीऊं। अठे भगवान मोहिनी रूप धारण करियो, दैत्यों में आपस में छीना झपटी चाले, भगवान मोहिनी रूप धारण करन आया, मोहिनी ने देखता ही दैत्य कहे देखो देखो आ कौन आई, अब सब अमृत तो भूलगा, मोहिनी ने देखने लाग गया, देवी आप सुंदर हो, आपने देख मोरो मन चंचल हो गयो है, मोरे मोहिने एक चीज ने ले झगड़ो हो रियो है, आप अमृत रो बंटवारो कर दो। मोहिनी कहे मैं बंटवारो तो कर दे हूं, पर मैं जो करूं सो आप मांगो मानो कि हां हां आप जो कह वो सुसम माना। मोहिनी कहे स्नान कर उपवास रखो, सब उपवास रखियो, पूजा दिन स्नान कर, सुंदर कपड़ा आभूषण पहनन आया, सब बैठने लगा। मोहिनी कहे यू नहीं, सब आप अपनी पंक्ति में बैठो, देवता आपकी पंक्ति में, राक्षस आपकी पंक्ति में। मोहिनी अमृत रो घोड़ो ले कदई आगे आवे कदई लारे जावे, अबे मेहनत तो राक्षस भी करी पर अमृत देवताओं ने मिलियो, क्यों देवता भगवान ने सत राकन मेहनत करी और दैत्य लोग भगवान सु विमुखा, तो जो भगवान सु विमुख है वो चाहे कितनी भी मेहनत करे उन्हें कोई फल नहीं मिले, और जो भगवान ने सत राकन मेहनत करे तो उन्हें करियोड़ी मेहनत रो यथार्थ फल मिलिया करे। तो याद रख जो कोई भी काम करो तो भगवान ने याद करन करनो, कोई भी काम करो तो भगवान ने सत्य राकन करो, भगवान सत्य रवेला तो सब काम सफल होवेला। अब अठे देवासुर संग्राम हुयो, दोनों पक्षरा योद्धा जूझने लाग गया, राक्षस मायारो प्रयोग करियो, देवता मायारो निवारण नहीं कर सकिया, जन वे देवता भगवान ने याद करे, भगवान प्रकट होया, राक्षसों की माया खत्म होगी, जो आदमी नींद सु जागे तो उनको स्वप्न टूट जावे, भगवान रे प्रकट होता ही राक्षसों की माया खत्म हो जावे। अब अटे द्वंद युद्ध हो रियो है, इंद्र वज्र सु बलिरो मथो काट दियो, चारों तरफ हाहाकार मच गई, राक्षस ऐसी बाण वर्षा करी, इंद्र रो रथ धकीज गो, इंद्र हाथरी सपैसो सारा प्रहार विफल कर प्रकट होई
बल पाक नमुची सारे राक्षसों ने मार देवे। राक्षसों रो ऐसो सहार दे, ब्रह्मा जी नारद जी ने वेद युद्ध बंद करवाई दियो। नारद जी री अनुमति सु दैत्य लोग बलि ने शुक्राचार्य जी रे कने ले गया। शुक्राचार्य आपरी मृत संजीवनी विद्या रे प्रभाव सु बलि ने जीवित कर देवे। दूसरा राक्षस जिकारा अंग नष्ट नहीं हुआ हा, मैंने भी पाचा जीवता कर देवे। राजा बलि बड़ा विवेकी है, तको लड़ाई में हार गया पर मैंने दुख नहीं हुयो। अटी में महादेव जी सुनियो, शिव जी जहर पियो। महादेव जी विचार करियो कि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करियो। शिव जी विचार करे कि मैं भगवान रे सब अवतारों का दर्शन पाया पर मोहिनी रूप ने तो देख भी नहीं सकियो। आज भोलेनाथ विष्णु भगवान रे कने आया, विष्णु भगवान शिव जी रो सत्कार करे। शिव जी प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपरे मोहिनी रूप ने नहीं देख सकियो। भगवान कहे राक्षसों ने मोहित करने रे वास्ते, देवताओं ने अमृत पिलाने रे वास्ते मैं मोहिनी रूप धारण करियो, थने भी मोहिनी रूप को दर्शन होए। आपस में बातें करता करता विष्णु भगवान अंतर्धान हो गया। थोड़ी देर पचे कहीं देखियो महादेव जी के बारे बगीचा में लड़की ये गेंद खेले है, कदई वा गेंद आगे फेंके कदई लारे फेंके, जो ही वा गेंद शिवजी रे कने फेंकी। अबे वाह, मोहिनी दौड़ी दौड़ी आई, आई गेंद पकड़ने लगी तो शिवजी उनने पकड़ने रे वास्ते आगे बढ़िया, तो मोहिनी आगे भागने लगी तो शिवजी पकड़ने रे वास्ते लारे दौड़िया। दौड़ता दौड़ता ज्यों ही शिवजी मोहिनी ने पकड़े, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। देवाधिदेव आप मोहित होए, मारे मोहिनी रूप रो मैं तो बढ़ायो है, आप तो काम में भस्म करने वाला हो। जठे शिवजी रो तेज गिरियो वटे सोने चांदीरी खाना बन जावे। विष्णु भगवान शिवजी रो सत्कार करे, आप मारे मोहिनी रूप रो मैं तो बढ़ायो है, आप तो काम में भी भस्म करने वाला हो। अटे शिवजी रो आदर कर विष्णु भगवान शिवजी ने विदा करे। कोई विचार करेला कि भगवान अठे आप कई लीला करी, देखो परमात्मा संसार ने शिक्षा देवे। आ भगवान री माया कितनी बड़ी प्रबल है, आ किण में वश में नहीं करे। देखे बड़े बड़े मुनि चक्कर में फंस गए, माया के चक्कर में। कोई जीव माया से बच सके जिनदे ऊपर भगवान री गुरु महाराज री कृपा होवे। जो भगवान रो पवन चरित्र सुने उनरो उद्योग कदई निष्फल नहीं जावे। स्वयंभू स्वरुचिस उत्तम तामस रेवत, इन पांच मनमंत्रों रे बाद छठे चाक्षुष मनमंत्र में समुद्र मंथन हुयो। समुद्र मंथन री कथा मैं आप लोगों ने सुनाई। अगले सातवें मनु रो नाम श्राद्ध देव, वे विवस्वान रा बेटा, तो यारो नाम व्यवस्वत भी कहलावे। अगर इस मनमंत्र चाल रियो है, इन मनमंत्र में पुरंदर नाम रा इंद्र हुया और वामन भगवान अवतार लेवे। भगवान वामन याचक वन बलि सो तीन पग जमीन मांगी और तीन पगों में त्रिलोकी ने नाप लेवे, बलि ने बांध देवे। अगले आठवें मनु रो नाम सावरणी होवेला, उनमें बलि इंद्र होवेला और सार्वभौम नाम सो भगवान रो अवतार होवेला। नवे मनु रो नाम तक सावरणी होवेला, उनमें अद्भुत नाम रा इंद्र होवेला और ऋषभ भगवान रो अवतार होवेला। दसवें मनु रो नाम ब्रह्म सावरणी होवेला, उनमें माने शंभु नाम रा इंद्र होवेला और विश्वक्षेण भगवान रो अवतार होवेला। ग्यारहवें मनु रो नाम धर्म सावरणी होवेला, उनरे मायने वैदृत नाम रा इंद्र होवेला और धर्म सेतु नाम सु भगवान रो अवतार होवेला।
बारवे मनुरो नाम रुद्र सावरणी होवेला, उनवे माने रित धामा नाम रा इंद्र होवेला, और स्वधामा नाम सो भगवान रो अवतार होवेला। तेरवे मनुरो नाम देव सावरणी होवेला, उनवे माने दिवसपति नाम रा इंद्र होवेला, और योगेश्वर नाम सो भगवान रो अवतार होवेला। चौदवे मनुरो नाम इंद्र सावरणी होवेला, उनवे मायने शुचि नाम रा इंद्र होवेला, और वृद्धवानु नाम सो भगवान रो अवतार होवेला। चौदह मनु कहलावे मनवंतर, षडविद कहलाया करे। अवे यारो कार्य सुनो, अंशा अवतार आप अपने कार्य में प्रवृत्त हो, जगत रो निर्वाह करे। प्रलय में जब वे नष्ट हो जावे, जन सप्तऋषिगण तपस्या सु वेदों ने प्राप्त करे, मनुगण वेद विहित धर्म रो धरामते प्रचार करे। मनुरा बेटा देवताओं रे साथे मनवंतर पर्यंत बेटा पोता इन कर्म सो प्रजारो पालन करे। इंद्र तीनों लोकों री लक्ष्मी पाई, उनरो उपभोग करता हुआ वर्षा रे द्वारा लोकों री रक्षा करे। ब्रह्मा जी रे एक दिन रे मायने चौदह मनु बीज जावे, इनने कल्प कया करे। कल्प 4000 युग रो होया करे। जो प्रेम सो चौदह मनुवारी कथा सुने सुनावे, उनके ऊपर भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न रहवे। राजा परीक्षित पूछियो, वामन भगवान दीनरी तरह बलिसु पृथ्वी क्यों मांगे, और पृथ्वी मिल गई तो पछे बलि ने क्यों मांग दियो। सुखदेव जी कहे, राजा देवासुर संग्राम में इंद्र बलि ने मार त्रिलोकी रो राज ले लेवे। शुक्राचार्य आप दी संजीवनी विद्या रे प्रभाव सो बलि ने पक्ष जीवित तो कर दियो। बलि जीवित हो जावे, अवे वो भृगु वंश के ब्राह्मणों ने आप रो तन मन धन सर्वस्व अर्पण करे, सदा वो मेरी सेवा में रहे। शुक्राचार्य बलि ने स्वर्ग रे ऊपर विजय दिलाने रे लिए बलि सो विश्व जी यज्ञ करवायो। पूर्ण आहुति रे दिन एक दिव्य रथ निकलियो, जिन रे माने युद्ध सामग्री है, उन रथ में बैठ अवे वो इंद्रपुरी रे ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता घबराएगा, इंद्र गुरु बृहस्पति सो पूछियो, बलि में ताकत कठे सो आई। गुरु जी बोलिया, ब्राह्मण आपरी शक्ति बलि ने दी है, अब बलि रे सामने भगवान रे सिवाय कोई नहीं टिक सके। जटे तक थारी वृद्धि रो समय नहीं आवे, स्वर्ग छोड़ भाग जाओ। बलि आपरे गुरु जी री आज्ञा रो उल्लंघन करेला, गुरु जी रे कोप सो इनरो पतन हो जावेला। देवता स्वर्ग छोड़न भाग गया। बलि इंद्रपुरी रे ऊपर आपरो अधिकार जमाई लियो, तीनों लोगों ने वो आपरे वश में कर लेवे। अबे शुक्राचार्य बलि रे इंद्र पदरी स्थिरता रे वास्ते बलि सो सो अश्वमेध यज्ञ करवाया। अबे उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जावे। दैत्य लोग इंद्रपुरी रे ऊपर आपरो अधिकार जमाई लियो। देवता भाग गया, अदिति दुखी है। आज कश्यप जी आश्रम रे ऊपर आया, अदिति ने दुखी देखी, पूछियो कई बात हुई। अदिति कहे, मारे बेटों रो यश प्रभाव ऐश्वर्य सब राक्षस खोस लियो है। कश्यप जी कहे, भगवान री लीला देखो, को देहो भौतिको अनात्मा, कुछ आत्मा प्रकृति पर कठे तो भौतिक शरीर, और कठे प्रकृति सो परे आत्मा। संसार में कुण किण रो पति, कुण किण रो बेटो, कुण किण रो भाई, और कुण किण रो बंधु है। आसक्ति रो कारण है केवल मोह,
सारो संसार मोहरी बेड़ी में बंधियोड़ो है। संत लोग हमेशा याद दिलावे मोहरी बेड़ी कठिन है मोह की धारा वो सब जाए संसारा। कठिन है मोह की धारा वो सब जाए संसारा। भगत सब नैने का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना। भगत सब नैने का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना। समझ मन 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 कोई नहीं अपना। सजन परिवार सुत तारा सबे उसे रोज है न्यारा। सजन परिवार सुत तारा सबे उसे रोज है न्यारा। प्राण जब निकल जावेगा कोई नहीं काम आवेगा। प्राण जब निकल जाएगा कोई नहीं काम आएगा। प्राण जब निकल जावेगा कोई नहीं काम आवेगा। जब निकल जावेगा कोई नहीं काम आएगा। जगत सब नैने का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना। जगत सब नैने का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना। समझ मन कोई नहीं अपना। समझ मन कोई नहीं अपना। पाजनी डाल से टूटा जड़ा जैसे नीर का फूटा। पाजनी डाल से टूटा जड़ा जैसे नीर का फूटा। किसी पर जाने जिंदगानी जैसे क्यों ना फिर अभिमानी। किसी पर जाने जिंदगानी जैसे क्यों ना फिर अभिमानी। देख तन गोरा जगत में जीवन थोड़ा। देख तन गोरा
जगत में जीवड़ा छोरा तो लोग चतुराई कहो नी शंख जग माई अजो मगो लोग चतुराई कहो नी शंख जग माई जगत सब नैन का सपना समझ मन कोई नहीं अपना जगत सब नैन का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ मन कोई नहीं अपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ मन कोई नहीं अपना जो मत लोग चतुराई रहो नी शंख जग माई लोग चतुराई रहो नी शंख जग माई सदा मत जान ये देहा लगाओ काम से नेहा राम को जान ये देहा लगाओ राम से नेहा जाल का घेरा कहे गंगा दास जन तेरा बते जम जाल का घेरा कहे गंगा दास जन तेरा जगत सब नैन का सपना समझ मन कोई नहीं अपना जगत सब नैन का सपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ मन कोई नहीं अपना समझ दिल कोई नहीं अपना समझ मन कोई नहीं अपना आसक्ति रो कारण है केवल मोह। अठे कश्यप जी अदिति ने प्रयोगव्रत रो उपदेश दियो इन रो अनुष्ठान करो भगवान थारी मनोकामना पूर्ण करेला। अदिति 12 दिन तक प्रयोगव्रत रो अनुष्ठान करियो आज भगवान प्रगट होया। प्रभु आप सबरी रक्षा करने वाला हो, मैं कष्ट में हूं। भगवान कवे देवी मैं थारो अभिप्राय समझू हूं, अगर थारे शत्रुओं ने परास्त करनो कठिन है। मैं एक उपाय सोच राखियो है, तो चिंता मत कर, मैं थारो बेटो बण थारे बेटा की रक्षा करूं। थारे पति में मारी भावना सुन, थारे पति की सेवा कर, सब काम थारो गुप्त रूप से हो जावेला, भगवान अंतर्धान होया। अदिति भगवान रे आदेशानुसार बड़ी निष्ठा सु पति की सेवा करे। कश्यप जी समाधि रे द्वारा सब बात जान ली, भगवत तेज अदिति में स्थापित करियो। समय आवे भगवान वामन भादवासुदी पारस रे दिन मध्यान काल में अभिजित मुहूर्त में प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। आकाश में नगारा बाजने लागिया, अप्सरावा नाचने लगी, देवता फुलारी वर्षा करे। कश्यप जी बालक रो उपनयन संस्कार करियो है। देवता ऋषि वामन जी ने छत्र बंद कमंडलू जपमाला नाना वस्तुआ दिवी
साक्षात भगवती उमा वामन भगवान ने भिक्षा दी। अबे वामन जी वटे सो रवाना हुआ, बलूरी यज्ञशाला में आया, जटे शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में रघुवंश के ब्राह्मण शास्त्रीय विधि से बलिरो यज्ञ करा रिया है। जिन समय वामन भगवान यज्ञ मंडप में आया, वामन भगवान रे तेज सो सबरी कांति फेंकी पड़ जावे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, भगवान आप रो स्वागत है, वटो आप रो स्वागत है, आप आया मारो यज्ञ पवन हुयो, आप पधारिया मारो यज्ञ पूर्ण हुयो, आप रे चरणों सो यज्ञ भूमि पावन होगी, वटो आप हाथी गोरो सोनो चांदी धन धान्य गांव जो भी चाहो मासू मांगो, आप चाहो तो मैं हाथ में ब्राह्मण की लड़की भी दे सकूं, मैं संकोच मांगो। वामन जी री बात सुन, वामन जी बलि री बात सुन राजी हुआ, कवे दैत्येंद्र धर्मयुक्त बात कही, हमारे कुल में आज तक ऐसो कोई नहीं हुए जो कंजूस हुए हुए, हमारे कुल में तो देने री परंपरा चली आई है, हमारे पिता वीरचंद्र तो कहना ही कहीं ब्राह्मण वेश में दे देवताओं ने भी उड़क लेवे और आपरी उम्र तक दे देवे, उन कुल में थारो जन्म हुयो है, इन वंश में हिरण्यकश्यप जैसा वीर हुआ। देखो मैं जठे भी जाऊं जठे भी बैठू लोग मने बैठन दे स्कूल, कोई कहे ओ खेत मारो, कोई कहे ओ प्लॉट मारो, कोई कहे आ जमीन मारी, फिर मैं दे तो कठे बैठ और माला जपा, चलो बल्ली सू तीन पग जमीन मांग ला, मने तो मारे पग सो खाली तीन पग जमीन चाहिए, आराम सो बैठ जप माला जपू। आज बलि के दरवाजे देखो भगवान याचक बनन आया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हर दे भगवान भगत हर दे भगत हर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, द्वार खड़ा भगवान भगत हर दे बोल उठी है सारी धरती देख ले आया तेरे मांगने आया तेरे जग का पालन हरा रे जग का पालन आज तेरा मेहमान आज तेरा मेहमान ऊपर ले मुझसे जरा पहचान
द्वार खड़ा भगवान जगत भर दे रे जो पलक में मिटाएगा पलक में मिट जाए जन्म जन्म का फिरारे जन्म जन्म का फिरारे छोड़ सकल अभिमान छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना ना भगत भरते गुरुवार खड़ा भगवान भगत भरते रे भगत भरते तेरा होगा बड़ा ऐसा तेरा होगा बड़ा ऐसा तेरी बलि दे द्वारे भगवान देखो आज वामन भण याचक बनन आया है। मने तो मारे पक्ष नु खाली तीन पग जमीन चाहिए। बलि कहे अरे वटो तू बातों तो बड़ा बुढ़ा की तरह करे है। तीन पग जमीन देवता मने लाज आवे कम से कम एक द्वीप मांग ले आराम से थारी आजीविका चाली के ना ना जो ज्यादा चावे वो तो दंगलो भागी होया करे।